नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त सरिता बिहार में है और यहां एमिनेट पब्लिक स्कूल में आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया गया है। खुशी मनाई जा रही है देश भर में। जिस तरह कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई है, इस उपलक्ष्य में ये स्वतंत्रता दिवस काफी अहम हो जाता है। और मोदी जी का जो सपना था, खासकर कहें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, हाल ही के दिनों में जिनका निधन हुआ, सुषमा स्वराज जी का जो सपना था, वो सपना साकार हुआ है। और अब इसके आयोजक जो एमिनेट पब्लिक स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसके आयोजक हमारे साथ हैं। अपना परिचय देते हुए, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये स्वतंत्रता दिवस जब कश्मीर जैसे जगह से आप 370 और 35 से हटाते हैं? ये इतना महत्वपूर्ण है कि उन शहीद माओं की कोर्ट से पूछे जिनके बेटे शहीद हुए हैं, आज उनको कितनी शांति मिली होगी। ये इतना महत्वपूर्ण है कि जिन माओं के लाल शहीद नहीं होंगे, ये इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा देश एक अखंडता में बन गया है, एकता, जो पूरा हिंदुस्तान, एक घर घर का बच्चा सारा खुश है। आज आप एक शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ संदेश छोटे छोटे बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जो अपना रास्ता भटक जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे घर से ही हमारे दुश्मन निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? इन बच्चों को उस तरह की शिक्षा दी जाएगी कि किसी की एक समय था भगवान कि भारत देश में कोई चीज भी पड़ी रहती थी, कोई नहीं उठाता था। अगर किसी की जेब से गिर गई तो वहीं पड़ी रहती थी, जब वो वापस आता तो उसको मिल जाती थी। विधुरी जी से हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, देश अपने आप आगे की ओर बढ़ने लगेगा, विकासशील राह पर चलने लगेगा। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सियाराम कनौजिया जी हैं। कनौजिया जी से जानेंगे, जिस तरह भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने देश को एक नई सौगात दी है स्वतंत्रता दिवस पर, सबसे पहले तो उस पर संक्षिप्त में आप टिप्पणी करें कि क्या कुछ, जिस तरह कांग्रेस विरोध कर रही है, चूंकि आप भाजपा के नेता हैं, क्या संदेश रहेगा आपको कांग्रेस के नेताओं को? मैं अपने हमारे विचार ये है कि कांग्रेस ने जो भारत देश के लिए, मैंने भारत देश के बारे में जो उल्टी बात करता, हर जगह कांग्रेस कर रही, इसके नेता राहुल गांधी जी, उनकी बेटी, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी, ये भारत देश के बारे में उल्टी बातें कर रहे हैं, इनकी तो खत्म होते जा रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो होने जा 70 साल आजाद हो गए देश हमारे हुए, हमारा देश गांव में विकास नहीं किया और कश्मीर विकास नहीं किया, पैसा जाता रहा कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला के बाप फारूक अब्दुल्ला और जो मुक्ति मोहम्मद सईद, ये सब पैसे खाते रहे, नीचे गरीब आदमी तो नहीं जाता रहा। मोदी जी ने जो फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला है, देश हित में, सारे देशवासी खुश है, सिर्फ कांग्रेस पेट में दरदरा खाना नहीं पाएंगे। मोदी राज में कितने अधिकारी रिटायरमेंट किए जा रहे हैं जो गलत है, उनको सेवानिवृत्त किया जा रहा पहले ही, इसी तरह हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। और कश्मीर में खुशहाली आएगी, वहाँ पे जो बच्चे भटक जाते थे, पत्थर मारते थे, बंदूक उठाते थे, उनको शिक्षा नहीं मिलती थी, उनको रोजगार नहीं मिलता था, उनको मिलेगा। और पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा विश्व खड़ा है, देश नहीं पूरा विश्व खड़ा है। धारा 370 हटाने पर पाकिस्तान थाना पड़ा है, इसमें दो राय नहीं है, देश अब अखंड भारत भी बाकी है हमारा होना। अभी महावीर जी, अभी पीओके पाकिस्तान जो कश्मीर आधा हमारा है, वो भी जब तक हमारे देश में नहीं आएगा। और जल्दी मोदी जी सब काम निपटा देना चाहते हैं, अभी कश्मीर का मामला 370 हटाया, पीओके लेंगे, राम मंदिर बनेगा, भारत खुशहाल बनेगा। वो चुनाव के लिए कोई चीज नहीं रखी, से कांग्रेस रखती थी। सियाराम जी को काफी कुछ उम्मीदें हैं इस सरकार से और सरकार ने प्रण ठान लिया है, अब कश्मीर का विकास तो निश्चित तौर पर होगा। मैडम है, एनजीओ चलाती हैं, अपने एनजीओ का इंट्रोडक्शन देंगी, किस तरह आप, खास कर चुकी अभी स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, तो ऐसे में कैसे जागरूकता आप फैला रहे हैं घर घर जाकर? मेरा नाम निर्मला गुप्ता है और ये महावीर भाई साहब हमारे एनजीओ के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने जो आज कार्यक्रम रखा है बहुत अच्छा, और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा और हम इसमें पूरी अपनी सहयोग करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले जो बच्चे हैं आज के, वो आगे बढ़ करके हमारे देश के लिए कुछ करें और उनके ऊपर ही हमारे देश का जो है विकास टिका हुआ है। और जो आज मोदी जी ने जो 370 हटाया है, उसके लिए तो हम बता नहीं सकते कि अभी हमारा देश
बहुत पहले स्वतंत्र हुआ था, लेकिन स्वच्छ रूप से आज स्वतंत्र हुआ है, पूर्ण रूप से आज स्वतंत्र हुआ है। आकाश जेलदार जी हमारे साथ हैं, इसी क्षेत्र के समाज सेवी हैं। आकाश जी क्या कहना चाहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम जनता से जो आपको देख रहे हैं? आज 73वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। 73 साल पहले जब देश आजाद हुआ, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे साथ कि हम औरों के साथ कैसे चलेंगे। विश्व में जो दूसरी कंट्रीज हैं, औरों के साथ चलने के लिए जो आयाम स्थापित करना था, उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आज आपने देखा होगा चंद्रयान 2 जो हमने मोदी जी के कार्यकाल में, उन्होंने वो जो चंद्रयान 2 का जो सफल लॉन्चिंग हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से की है। लेकिन उस सब के पीछे शिक्षा है। आदमी भूखा रह के गुजारा कर लेता है, लेकिन बिना शिक्षा के वो कुछ नहीं है। कुछ और मेहमान भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, इनसे जानेंगे। वेदपाल जी हैं। वेदपाल जी, अपना परिचय देते हुए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या शुभकामना आपकी है? देखिए, मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष को हार्दिक स्वागत देता हूं, और साथ में मोदी साहब को एक बहुत अच्छा संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोदी साहब देश को अपना नेतृत्व दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई भी 70 साल में आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने इस तरीके से कोई काम किया हो। पहले प्रधानमंत्री हमने ये देखे हैं कि जन जन बच्चे को 18-18 घंटे जाग करके पूरे राज्यों में, 29 राज्यों में, 30 राज्यों में पूरा हालचाल देखते हैं। फैसला है भाजपा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, वो फैसला तमाम देशवासियों को मंजूर है, सब उसका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ मुरली मुखर्जी साहब हैं। मुखर्जी साहब, सबसे पहले तो आज के जो आयोजक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह के कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, तो क्या संदेश रहेगा आपका? सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए श्रीमान महाशय बिधुड़ी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे मंच पे उपस्थित हमारे अध्यक्ष श्री श्रीआराम कनौजिया, जो कि पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं मयूरविहार जिला के, साथ में हमारे मंत्री श्री आकाश जेलदार जी को मैं काफ़ी अभिनंदन करता हूँ। 370 हटने के कारण कश्मीर में जो अशिक्षित लोग हैं वहाँ पे, उनको जो मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, और सबसे बड़ा उपलब्धि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि अगर वो एजुकेट होंगे तो जो आतंकवाद से रिलेटेड उनकी गतिविधियाँ रहती थी, जो पाकिस्तान से उनको हैंडलिंग किया जाता था, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेट होंगे और उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति आएगी, जिससे हमारा देश आगे तरक्की करेगा और हमारा देश के साथ वो मुख्य धारा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान अमित शाह जी ने धारा 370 हटाए, इसके कारण देश के अन्य राज्य से भी सभी लोग जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, तो वहाँ पे काफ़ी आने वाले समय में अच्छा होने जा रहा है। कुल मिला के मुख्य धारा से जोड़ा गया है कश्मीर को। तो हम मुखर्जी साहब से बात कर रहे थे, कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहेंगे? इतने सारे बच्चे हैं, क्या संदेश रहेगा आपका? मैं जयप्रकाश चौबे, और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। तो सबसे पहले जो एमिनेंट पब्लिक स्कूल के फाउंडर हैं और हम सबके सहज भाई, जब मैं यहाँ प्रवेश किया तो मुझे पल भर ये नहीं लगा कि हम अपने महावीर विधुड़ी जी के आया हूँ, मैं लगा कि मेरे बड़े भाई या छोटे भाई के पास आया हूँ। और जिस तरह से देखिए, कोई भी कार्यक्रम सफलतम तब बनता है जब पूरे शिक्षक गण और उसका मुखिया और सभी साथी जो आए हुए हैं, पूरी तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट हो, पूरी सक्रियता के साथ उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले इस एमिनेंट पब्लिक स्कूल के फाउंडर श्री महावीर बिधुड़ी जी को, जिस तरह से वो इन्वॉल्व थे इस कार्यक्रम में, और सभी शिक्षक गण जो पूरे कार्यक्रम को शिद्दत से 2 दिन 3 दिन 5 दिन से लगे होंगे, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ कार्यक्रम जो करवाया हूँ, मेरे प्यारे बच्चों ने जिस तरह से मैं बैठ के देख रहा था एक एक बच्चे, और मैं रोक नहीं पाऊंगा, एक बच्चे को मैं उसको उपहार देने के प्रयास करूंगा जो भी मेरे पास है, उसका मैंने देखा बहुत ही बढ़िया ढंग से वो प्रेषित किया अपने आप को। कुछ और मेहमान हमारे साथ हैं, सुनील जी हैं। सुनील जी, क्या कुछ संदेश आपका है स्वतंत्रता दिवस में संक्षिप्त में आप बताएं? ये स्वतंत्रता दिवस सबसे ही अलग है,
फर्स्ट टाइम 73 साल के अंदर सबसे पहला ऐसा है जो हम अखंड भारत में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इससे पहले पूर्ण नहीं था, ये पूर्ण हुआ है और ये मोदी जी और नरेंद्र शाह जी की वजह से, और उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बढ़िया कदम और सबसे जल्दी कदम उठाया, सिर्फ 75 डे के अंदर ही उन्होंने ये सब क्लियर कर दिया और ये विश्व को बता दिया कि हम अब पावरफुल हैं, अब दुनिया के हम पीछे नहीं चलेंगे, दुनिया हमारे पीछे चलेगी। सुनील जी का मानना है और वाकई में ऐसा है कि तमाम वो देश जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलने तक का टाइम नहीं देते थे, वे आज मेहमान बनाकर हमारे प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, बड़ी बात है ये। पूजा जी हैं, प्रिंसिपल हैं इस स्कूल की। पूजा जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, जिस तरह यहाँ बच्चों को आपने इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा उन तमाम युवाओं के लिए जो अपना रास्ता भटकते हैं? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पूजा मैरा, आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट पब्लिक स्कूल एंड आई फील वेरी ऑनर्ड टू गैदर हेयर टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे हेयर, बिकॉज एज यू नो कि 370 की धारा जो टूटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एल कम टू नोटिस यू, आई एम बिलोंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड इट इज़ वेरी ऑनर टू मी हेयर टू स्पीक अबाउट दैट 370, बिकॉज वहाँ पर इतना हमारा जो भी बाहर की कंपनी है वो नहीं आ पाती थी बिकॉज ऑफ बाउंडेशन, लॉट्स ऑफ बाउंडेशन आर देयर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ पर रह नहीं सकता है, तो दैट्स वाई दे आर नॉट कमिंग, क्योंकि वो बोलते कि हम क्यों जाएंगे वहाँ पर जब हमें बेसिक मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ जो है वो मेरे लिए तो बहुत ही ऑनर फील हुआ, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात हुई कि मैं दिल्ली में बैठकर जब ये न्यूज़ फैली तो मेरे घर वाले बोलते कि तू दिल्ली में गई और तूने हमें भी दिल्ली वाला बना दिया। तो दैट इज़ अ वेरी जी से बात कर रहे थे, एमिनेंट पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और खास बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 35 से और 370 हटाने के बाद अब वहाँ कंपनियाँ, जिस तरह आप देखेंगे तो आने वाले समय में वहाँ कंपनियों की मीटिंग होने वाली है और ऐसे में वहाँ रोजगार के अवसर वहाँ के युवाओं को मिलेगा और जो युवा अपना रास्ता भटकते थे वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। तमाम जो बातें हैं उसको देखकर कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर काम किया जा रहा है, लेकिन मौका है स्वतंत्रता दिवस का तो स्वतंत्रता दिवस आप भी सेलिब्रेट कीजिए और देश भर में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन बालकिशन के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24 दिल्ली। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम सेंट्रल जोन एमसीडी कार्यालय में हैं और हमारे साथ यहां के डिप्टी चेयरमैन सुनील सहदेव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में सहदेव साहब। बहुत बहुत आपको भी, आपका भी स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस पर हम आ रहे हैं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस एक स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि एक और आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सीधा संबंध मेरा है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को लेकर, हटाए जाने को लेकर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह यह प्रण लिया प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी भाजपा सरकार ने, अमित शाह ने, क्या कुछ संदेश है आपका तमाम देशवासियों से? ये तो सपनों सरीखी बात हुई है जी, हम शायद अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि कभी 370 या 35 से हमारे लाइफ टाइम में हट भी पाएगा या कोई इसके बारे में सोच भी पाएगा, क्योंकि 70 साल से तो हम यही देख रहे थे कि वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। प्रेसिडेंशियल संविधान में ना 35A का जिक्र है ना 370A का, 370 का जिक्र है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही किया गया और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 70 साल चल गया, ये बहुत बड़ी हैरानगी की बात है। फिर भी विरोध हो रहा है, कुछ लोग जो है विरोध करते हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब है आपको? कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ क्षेत्र के अंदर या दिल्ली के अंदर, सभी लोग, एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला मेरे को, आदमी नहीं मिला जो इसका विरोध करता हो, वो तो सारे खुश हैं। मैं बताता हूँ, कांग्रेस के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, क्या जवाब है आपका उनके लिए? कांग्रेस के जो नेता विरोध कर रहे हैं वो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कश्मीरी है तो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की मयूर विहार जिला मंत्री नीलम सहदेव जी हैं। मुद्दा है कश्मीर का, कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के बाद पूरे देश में उत्साह है, इनसे भी जानते हैं कि इन्हें कितना उत्साह है और क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। पहले तो मैं सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और इस बार स्वतंत्रता दिवस हम थोड़ा अलग तरह से मना रहे हैं, हमें दोहरी खुशी है, जो कश्मीर में हमारी जो 370 जो हटी है
उस उपलक्ष्य में बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और वहाँ भी कश्मीर में भी बहुत ही खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत ही खुश हैं। तो इस तरह एक और सवाल है मेरा आपसे, काफ़ी संक्षिप्त में मैं चाहूँगा थोड़ा जवाब दें आप उसका। आगामी समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप मंत्री हैं मयूर विहार जिला से, तो किस तरह आप अपने जिले में काम कर रही हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको? विधानसभा में आगे इसको आगे सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए हमारा जो सदस्यता अभियान है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से सदस्यता हो रही है और काफ़ी ज़्यादा सदस्य हमारे बन गए हैं। इस तरफ ही हम काफ़ी ध्यान लगा रहे हैं, अब सक्रिय सदस्य भी बनने वाले हैं, तो इस तरह से काम हो रहा है हमारे। क्या लग रहा है इस बार किससे टक्कर हो सकती है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी से सीधे भी भाजपा टकराएगी या कांग्रेस भी है कहीं ना कहीं अस्तित्व में? सामने तो कुछ ऐसे नज़र आ नहीं रहा है, सिर्फ भाजपा भाजपा ही है, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है, तो भाजपा का ही सारा परचम यहाँ पे लहराने वाला है इस बार दिल्ली में। चलिए धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे नीलम सहदेव जी से, जो जिला मंत्री हैं मयूर विहार से, और इनका मानना है कि आने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए खुशखबरी लेकर आएगा, और जिस तरह मोदी सरकार लगातार फैसले लिए जा रही है, देश हित में फैसले ले रही है, उसका पूर्ण लाभ दिल्ली ही नहीं पूरे देश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन बालकिशन के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज 24। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के आश्रम स्थित दिल्ली ट्रांसको स्टाफ कॉलोनी में स्वतंत्रता दिवस का समारोह रखा गया, जहां स्थानीय निवासियों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे देखकर उपस्थित लोग झूम उठे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सीए अखिलेश चंद्रा उपस्थित हुए और लोगों को संबोधित किया। आइए देखें ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कभी कभार जब हम कोई चीज़, हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है या कोई और ऐसी विशेष दिन होता है तो हम हमेशा जश्न मनाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर जश्न ना मना पाएँ तो उसके पीछे भी एक कारण होता है कि जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन सारा देश जश्न मना रहा था, लेकिन हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी दिल्ली से हजारों कोस दूर जो है बंगाल के नोवा खली गांव है उसमें वो अनशन पे बैठे थे कि कोई सांप्रदायिक हिंसा ना हो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि 15 अगस्त ही क्यों चुना गया था अपने देश की आज़ादी के लिए। इसके लिए कहते हैं कि श्री लॉर्ड माउंटबेटन जी थे जिनका निजी तौर पे ये मानना था कि 15 अगस्त उनके लिए बहुत शुभ दिन होता है, इसलिए उन्होंने वो दिन चुना था कि ये तो भाग्यशाली हमारे लिए है तो हो सकता है देश के लिए भी भाग्यशाली हो। तीसरा, इसके पीछे एक लॉजिक और रहता है कि हमारा 15 अगस्त वा दिन कैलेंडर दिवस के 227वां दिन होता है। अगर हम 227वें दिन को टोटल करें तो ये 11 आता है इसका जोड़, और जिसको हम विक्ट्री के रूप में जानते हैं क्योंकि 11 आता है, ये भी एक इसके पीछे कारण रहा है। और बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम एक चीज़ और छोटी सी बताना चाहेंगे, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये मौका हमें एक बार पुनः दिया। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो संस्था है वो सोशल के लिए काम करती है, हम आपसे बार बार यही आग्रह करेंगे कि अगर आपके लोगों के बीच में कोई ऐसा समस्या है जो आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं उठा पा रहे हैं, कृपया आप हमारे ट्रस्ट के थ्रू, एनजीओ के थ्रू उठा सकते हैं। एक बार मौका दीजिए, देखिए हम आपके काम को बहुत सरल और उचित तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ हम अपने शब्दों को पूर्ण विराम करते हुए बोलेंगे, भारत माता के जय, भारत माता के जय। धन्यवाद। सारे बच्चे कह रहे थे बड़ा होके मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, सबके जवान में एक ही वर्ड था
कि बड़ा होके वो देश की सेवा करना चाहता है, चाहे डॉक्टर के रूप में चाहे इंजीनियर के रूप में। इस भावना को आप इंडिया में फैलाने के लिए क्या कर कहना चाहेंगे? इसके लिए तो हम सबसे पहले अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि शायद वो एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये एक जागरूकता अभियान जो है चलाया है, जो कि आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी देश प्रेम की एक भावना पनप रही है। और अभी हाल में ही अगर आपने देखा होगा कि धारा 370 और 35 ए ख़त्म किया गया, उसके चलते भी मैं यहाँ आया हूँ कि जैसे मैंने वहाँ भी बोला था कि मैं दिल्ली के हर एक कोने में अपने जो कश्मीरी भाई हैं, एक शाम कश्मीरी भाइयों के नाम हमने एक प्रोग्राम रखा था, उसके चलते भी मैं जगह जगह पे जा रहा हूँ और उन लोगों को मान सम्मान देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के चलते यहाँ भी मैं इस प्रोग्राम में आया हुआ हूँ। आप आने वाले समय में देखेंगे हमारे देश का बच्चा बच्चा जो है देशभक्ति के लिए तैयार रहेगा और अपनी एक एक बूंद जो है, जो उसका खून है, अंतिम सांस तक भी वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा, देश को निछावर करने के लिए तैयार। अब ये जज्बा हमारे देश में धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल। और इस अवसर पर हमारे साथ इस कॉलोनी के प्रेसिडेंट संजय जी हैं। संजय जी, आप यहाँ के बच्चों में देश की सेवा के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे और किस प्रकार से जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और कैसे कैसे कौन कौन से प्रोग्राम आप करते हैं? हमारे पास ये साल के अंदर 3 प्रोग्राम होते हैं, एक 26 जनवरी का, एक 15 अगस्त का और एक होली का। बाकी लेडीज़ हैं वो करती हैं सारा, एक बैसाखी का, तीज का, वो अपने आप ही खुद मैनेज करती हैं, तो खुद लेडीज़ का प्रोग्राम होता है। अखिलेश जी ने कुछ छोड़ा नहीं मेरे लिए बोलने के लिए, सारा कुछ उन्होंने बोल दिया। तो अखिलेश जी का सहयोग हमारे साथ बहुत बना रहता है हमेशा के लिए। जब भी कुछ इनके पास कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे किसी से रिलेटेड हो, किसी फील्ड से रिलेटेड हो, हम पहुँच जाते हैं इनके पास में, तो ये हमारी भरपूर हेल्प करते हैं। धन्यवाद। और आप लोगों ने देखा किस प्रकार से यहाँ के लोग जो ट्रांसको स्टाफ कॉलोनी के लोग हैं, किस प्रकार से ये लोग स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चों में देशभक्ति का भावना जगा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, इनके हाथ में देखिए ये झंडा लिए हुए हैं ये बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? ये देखिए छोटा सा बच्चा है और ऐसे सारे बच्चों में देशभक्ति का भावना जागृत हो रहा है। ये होता है देशभक्ति किस प्रकार से बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक। हमारे बीच एक कलाकार हैं, इनसे भी हम दो लाइन पूछते हैं, इनका नाम क्या है और ये क्या क्या प्रोग्राम दिखाने वाले हैं आज? आप क्या क्या प्रोग्राम दिखाने वाले हैं यहाँ पर? देखिए प्रोग्राम तो आज कुल मिला के देशभक्ति का ही है और हम आज देशभक्ति के रंग में सराबोर हैं। सभी देशवासियों को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मुबारकबाद देना चाहूँगा। सुनाइए दो लाइन हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए जो अभी आप सुनाने वाले हैं। गीत तो वही है जो आज हमारे सभी के दिलों में गूंज रहा है। हाँ जी, ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हो मुश्किल है कि पीछे हट जाएं, ये जोश और ये जलवा होता है जब ऐसे कलाकार देश के अलग अलग जगहों पर जाके सुनाते हैं और इन गानों को सुन के ना केवल सिर्फ देशवासी बल्कि हमारे जो सैनिक जवान हैं वो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं यहीं छोड़े जाता हूं, हमें दीजिए इजाज़त। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट। नमस्कार, जय हिंद। निगम प्रतिभा विद्यालय न्यू चौखंडी तिलक नगर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य वीता गांधी, निगम पार्षद किरण चड्डा व पूर्व चेयरमैन सुनील चड्डा ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति स्वतंत्रता दिवस हम यहाँ पर मना रहे हैं। आज सुबह से बहुत से स्कूलों में जाना हुआ, एक स्कूल के अंदर पर्यावरण की तरह पौधे लगाकर उसको कार्यक्रम को मनाया गया और मैं अपनी ओर से, अपने पार्षद की ओर से,
और क्षेत्र के अपने जितने कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। और ये एक संदेश जैसे अभी मैम ने भी दिया कि जो स्वतंत्रता दिवस है इसको मनाने का विशेष महत्व इसलिए है कि 15 दिवस के दिन प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल किले से एक संबोधन करते हैं कि किस प्रकार देश आगे चलेगा, पूरा वर्ष किस प्रकार अगला रहने वाला है उसकी योजनाओं की घोषणा करते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिनके कारण हम ये त्यौहार मना रहे हैं। क्योंकि हमारा देश जो भारत है ये त्यौहारों का देश है और त्यौहारों के अंदर यदि हम त्यौहार मिलकर मनाते हैं तो खुशी दुगनी होती है। मुझे याद है सुषमा स्वराज जी अभी जिनका देहांत हुआ वो हमारे क्षेत्र में आती थी तो उन्होंने सबसे पहले एक ये संदेश दिया था कि जब खुशी मनाई जाती है तो खुशी दुगनी हो जाती है, इसलिए खुशी के अंदर हम लोग इकट्ठे होते हैं। कई बार लगता है कि चार लोग कम है, त्यौहार तो मनाया जाएगा लेकिन जब सभी इकट्ठे होकर मनाते हैं तो खुशी दुगनी लगती है। इसलिए आज के मौके के ऊपर हम सब ने ये त्यौहार हर स्कूल के अंदर मनाया और लगातार खुशियों के साथ इसको मना रहे हैं और इस आशा के साथ कि देश हमारा आगे बढ़े, देश का गौरव सारे संसार के अंदर अलग तरह से नज़र आए जो आज समय के अंदर नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जैसे कश्मीर के अंदर इतनी घटना होने के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से कल ईद मनाई गई, इसके लिए मैं देशवासियों को आपका क्या कहना है जो प्रधानमंत्री जी ने 370 और 35 से हटाई है तो इस विषय में आपका क्या कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कोई भी निर्णय जब देश का लिया जाता है वो अच्छे के लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है आज के इस धारा 370 के कारण वहाँ पर बहुत सी चीज़ों का प्रतिबंध लगा हुआ था, कोई भी बाहर से आकर कोई वहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहे तो वो नहीं लगा सकता था। जब तक हम इस प्रकार की योजनाओं को किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं लेकर जाएंगे तो वो प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी नौकरियां नहीं निकलेंगी, वहाँ पर रोज़गार नहीं होंगे। इस रोज़गार और इन सारी चीज़ों को करने के लिए वहाँ पर बाहर के लोगों का आना और वहाँ पर आकर वो इस प्रकार का कार्यक्रम वहाँ पर लागू करें ताकि वहाँ पर प्रदेश जो है आगे बढ़े, इसलिए ये एक अच्छा निर्णय है और आने वाले समय के अंदर इसके अंदर सुधार की गुंजाइश होगी। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आने वाले समय के अंदर इसके जैसे जैसे आएगा उसको सुधार करते जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद चड्डा जी आपका, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं सबको अपना नाम अवगत करा देता हूँ और अपनी संस्था का भी। मेरा नाम अरविंद चंदेला है और मेरी संस्था का नाम है स्वास्तिक जनसेवा संगठन। विगत 8 वर्षों से हम रक्तदान, नेत्रदान, देहदान के विषय में काम कर रहे हैं और मेरी संस्था वक्त वक्त पर शिविर लगाकर ज़रूरतमंदों के लिए रक्त मुहैया कराती रहती है और हमने लगभग ऐसे अभी तक रेड क्रॉस को 15 के करीब बच्चे गोद लेकर उनको दिया है ताकि उनके लिए रक्त की कमी ना हो सके, तो रेड क्रॉस उनके लिए रक्त मुहैया कराता रहता है जी। और इसी के साथ साथ मेरी संस्था सांसें हो रही हैं कम आओ वृक्ष लगाएं हम, उसके साथ साथ ये संस्था पेड़ लगाने का भी हम काम करते हैं। बारिशों का जो सीज़न जो अभी है उस इस सीज़न में हम ट्री प्लांटेशन भी करते हैं जी। अच्छा ये एक और आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो 370 धारा हटाई है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, धारा 370 और 35A जो हटाई है हम मैं खुद और मेरे जो संस्था है उसका पूर्ण जोर समर्थन करती है। वो इसलिए कि विगत कई वर्षों से ये समस्या अलझी हुई थी, रुकी हुई थी और इस पर कई तरह के मतभेद लगातार बने हुए थे, इसको स्पष्ट कर दिया हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने। और हमारा जो देश है ये अनेकताओं में एकता का देश है। अब आपको कैसा लग रहा है कि माने देश जो है वो प्रगति की ओर जाएगा? जी जी बिल्कुल जाएगा जी। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि अनेकताओं में एकता का ये देश है, विभिन्न संप्रदाय विभिन्न धर्म यहाँ पे विद्यमान है, इसकी खूबसूरती इस देश की जी। और क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से। धारा 370 स्वतंत्रता दिवस और 35A जो हटाई है उसके लिए सबको मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से शुभकामनाएं।
कस्बा पतरिया कोतवाली गुन्नौर जिला संभल उत्तर प्रदेश चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह की तरफ से आप समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों नमस्कार, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और सलाह दी जाती है कि जल संरक्षण का उपयोग जरूर करें, इसके लिए अपने खेत में ताला बनवाएं तथा जैविक खेती के उपाय जरूर अपनाएं ताकि रासायनिक प्रभावों से बचा जा सके और साथ ही साथ मिट्टी का परीक्षण कराने के बाद ही पोषक तत्वों की पूर्ति अपने खेत में करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं गीता मोतीलाल अहरवार, नगर परिषद अध्यक्ष गढ़ी मलेरा की ओर से सभी नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ में जिलावासी एवं प्रदेशवासी एवं भारतवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ में अपील करता हूं कि हमारे नगर को, हमारे जिला को, हमारे प्रदेश को एवं हमारे भारत देश को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रखें, जिसमें कोई भी मच्छर न पनपने पाए। और मैं साथ में अपील करता हूं कि सभी पूरे नगर में एवं पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर पेड़ लगाएं, जिसमें हम लोगों को वायु मिल सके और हमारा देश हरा भरा रहे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय किसान, जय जवान। ग्राम पंचायत पतरासा के प्रधान पुत्र धर्मेंद्र कुमार की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलचंद वर्मा, डीएम क्लब मेंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय आवास विकास टैगोर नगर पीलीभीत की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।